दोस्तों आज बनाना सीखेंगे घर पे बहुत ही खुशबूदार सब्जी मसाला या गरम मसाला। 2-in-1 रेसिपी है ये। आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं या फिर गरम मसाले के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी फटाफट बन के रेडी होती है और बहुत ही आसान है, किफ़ायती दाम में बन के रेडी भी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको आधी कटोरी के जितना धनिया लेना है, साबुत धनिया, और इसमें 3-4 स्टिक आपको दालचीनी के डाल देने हैं, 2 चम्मच के जितना आपको ज़ीरा डाल देना है, 1 से 2 आप तेज़पत्ता डाल दें, और इसी के साथ आप 3 से 4 इसमें हरी इलायची डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये पत्थर फूल मैं डाल रही हूँ, पत्थर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 आपको इसमें बड़ी इलायची यूज़ करनी है, थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री का डालना है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं नटमेग यानी कि जायफल भी डालती हूँ। इन सारी चीज़ों को आपको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, एकदम धीमी आँच पर, तब तक जब तक इसमें से बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है। मैं हर हफ्ते अपने घर का सब्ज़ी मसाला या गरम मसाला, आप जो भी बोल लो, इस रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल गरम मसाले से, इसलिए मैं 2-in-1 रेसिपी बोल रही हूँ, इसे भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा मतलब लौंग। तो आप देख सकते हैं काली मिर्च के 5-6 दाने होंगे और लौंग भी 2-3 ही होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। इसे हम ठंडा करके मिक्सी में डाल लेंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे उसमें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ, और फिर इसके बाद इसे ढक्कन लगा के हम अच्छे से पीस लेंगे। मैं कोर्सली ग्राइंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसती हूँ। ये हमारा ऑल पर्पज़ मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसको चाहे गरम मसाले के तौर पे या फिर सब्ज़ी मसाले के तौर पे किसी भी चीज़ में यूज़ करो, बहुत ही खुशबूदार, और घर पर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार मसाला रेडी हो गया है। मैं हर हफ्ते बनाती हूँ क्योंकि फ्रेश बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फटाफट बन के रेडी होता है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।